ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਲਾ ਫੜਨਾ। ਰੇਤ ਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਜਿਵੇਂ ਗੋਂਗਰੂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਦੇ ਝਾੜਦੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। सत श्री अकाल जी, लुधियाना लाइव देख रहे हो तुसी ते मैं हरविंदर सिंह ढिल्लों। इस टाइम लुधियाना डीसी ऑफिस के बाहर खड़े हाँ। एक बार तस्वीर जिहड़ियां दिखा दिओ कि इह उह समूह संघर्षी लोग ने जिहड़ा हलवारा एयरपोर्ट का नाम सरदार करतार सिंह सराभा के नाम पर रखने की जिन्हां वल्लों मंग है, और साडे नाल जिहड़े मुख नुमाइंदे मौजूद ने उन्हां नाल गलबात करदे हां कि उन्हां दी जिहड़ी इह मंग हैगी है की मंग हैगी है और कदों तों हैगी है और अज जिहड़ा प्रोटेस्ट क्यों करना पै रिहा उन्हां नूं। सत श्री अकाल जी, स्वागत है लुधियाना लाइव ते। सत श्री अकाल जी सारे दर्शकों का, सारे नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पहला तो अपना नाम दस दिओ जी। नाम मेरा राजदीप सिंह आंडलू हलका रायकोट तो। सर अज जिहड़ा धरना लगाया गया डीसी ऑफिस लुधियाना के बाहर, इहदे बारे जानकारी दिओ जी। इह कई सालों तो मंग उठी हुई आ। पिछले साल को राजसी आगुआ ने भी एक मुहिम चलाइया सी, नौजवानों ने भी चलाइया सी। इस साल हुण जद इह उत्थे इक इहनां ने बोर्ड बना के ला दिता हलवारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, वो जद तो बोर्ड लग रहा इलाके के लोगों के रोह पैदा हो गया भी ये जिहड़ा एयरपोर्ट का ना उत्थों हलवारे तो नाल सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर शहीद सरदार करतार सिंह सराभा जी का पिंड आ, जो 19 साल के सब तो छोटे जिहड़े आजादी घुलाटीए शहीद मने जाते आ। इलाके के लोगों के मन के शायद एयरपोर्ट का ना यह आप ही सरकार जिहड़ियां उन्हां दे नां ते रख देणगियां, उन्हां नूं मान सन्मान देणगियां, पर सरकार जिहड़ियां ने उन्होंने जिहड़ा इसका ना हलवारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखता। हुण इलाके दे लोक पिछले 2 सालों तो ही जानी मंग उठी हुई है, हुण मंग थोड़ी लहर जिहड़ी आ तेज़ हुंदी जांदी आ, दिनों दिन होर तेज़ करांगे। इस दे विच साडी मंग इही आ वी जिहड़ा इह एयरपोर्ट आ इहदा जिहड़ा नाम आ उह शहीद करतार सिंह सराभा जी दे नां ते रख्या जावे। इह पहलां वी तुहाडे वल्लों जिहड़ा मैमोरेंडम दित्ता गया लुधियाना डीसी ऑफिस पहलां वी पहुँच कीती गई है? मैमोरेंडम 3 बार दे चुक्या गया। उस जिहड़े मेमोरेंडम असीं पहलां दित्ते आ असीं हुण तां ही इत्थे बैठे आ, कहिंदे डीसी साहब है नहीं गे। असीं डीसी साहब नूं इही पुछणा वी जिहड़े असीं पहलां दित्ते आ उहनां दे उपर उहनां ने की कारवाई कई की, उहनां ने सरकार तक साडी जिहड़ी मंग आ पहुंचाई आ, सरकार वल्लों की कोई उधरों साडी मंग प्रति कोई जवाब आया, असीं इह पुछण वास्ते बैठे आ ते डीसी साहब दी वेट कर रहे हां। तुहानूं इह कहा गया कि डीसी साहब नहीं हैगे इत्थे? सानूं इह कहा गया वी डीसी साहब इत्थे इस टाइम हुण मौजूद नहीं है। तो जिहड़ी ये मंग हैगी है आम लोगों वालों की गई हैगी है, जो कोई संस्था या किसी पार्टी वालों ये जिहड़ी हैगी है मंग? ये पहली गल तो मैं तुहानूं दसां, इहदे विच राजनीतिक धार्मिक समाजिक है आगू बथेरे तुरे फिरदे आ, पर इह किसी एक दा नहीं है, ना असीं कोई लोगो ला के चलना ना कोई होर चलना, सब आपो आपणा लोगों की आवाज आम लोगों की आवाज आ जिहड़ी उठी आ, आम लोगों ने जिहड़ा सानूं समर्थन आ उह मिल रहा दिनों दिन। पिंडां दे विच असीं मीटिंगां कर रहे हाँ, पिंडां दे विच घट्टो घट्ट 50-50, 100-100 बंदा इकट्ठा होकर मीटिंगां हो रही ने, असीं लामबंदी कर रहे हाँ। इत्थे अज मींह पैंदा करके थोड़ी साडी जिहड़ा हैगा सैटिंग नहीं बनी, ते आउण वाले टाइम दे विच तुसीं देखोगे जे ना इह मंग मंगी गई मन्नी गई ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। सेंटर सरकार नूं, पंजाब सरकार नूं इह दस देना चाहुंदे आ वी जदों शहीद आजम सरदार भगत सिंह नूं फांसी देनी सी तां इक दिन पहलां उह इक किताब पढ़ रहे सी, उस किताब दा पन्ना मोड़ के गए सी ते पंजाब दी नौजवानी ने उह पन्ना हुण खोल लिया वा, उह अगले दे अगली किताब नूं पढ़ के
शहीदां दे पाए पूरनियां दे उत्ते पंजाब दी नौजवानी चलण लई तैयार आ। हुण इह भुल जाण सेंटर दी सरकार वी इह साडे शहीदां दी होंद नूं खतम कर लूगी, इह भुल जाण वी पंजाब दा नौजवान शहीदां नूं भुल जूगा। जिन्ना वध चढ़ के हो सकूगा, जिन्ना वर्ल्ड लैवल ते इस गल नूं पहुँचावांगे, उन्ना साडियां मंगां नूं मन्ने जाण दे विच सफलता मिलूगी। गिल साहब, तुसीं एजेंसियां दी गल कीती आ, बहुत चंगी सोच रखदे हो इन्नी छोटी उम्र दे विच। मैं चाहना कि इस चीज़ नूं क्लीयर करो कि एजेंसियां पंजाब बारे की सोचदियां ने, क्योंकि आम अगर गल कीती जावे परिवारां दी तां महंगाई दा मुद्दा ला लईए, किसानी मुद्दा ला लईए, आम बंदा तां दो टाइम दी रोटी कमाण दे विच ही जिहड़ा रुझिया होया, तां ऐसे दे विच किस तरह इनकलाब वाली जिहड़ी सोच बंदे दे मन च आ सकदी आ? बहुत वधिया वीरे, तुहानूं मैं दसणा चाहुंदा वी जिहड़ियां साडियां एजेंसियां ने बहुत लंबे समें तों, जदों पंजाब दी आजादी हुई या भारत की आजादी हुई उदों तो ही साढ़े 90% शहीदियां पंजाबियां ने दित्तियां ने, उन्हां दियां शहीदियां नूं मिटाउण ते लगी हुई है। इन्हां नूं बहुत वड्डा खतरा वा उन्हां दे इतिहास तों, उन्हां दियां शहीदियां तों, क्योंकि आने वाला नौजवान जदों इतिहास पढ़ूगा उहदे ब्लड दे विच इक फ्लो बनना गा, ब्लड दे विच उबाल आउणा वा वी साढ़े पुरखे आए सी ते असीं अज गुलाम नहीं रहना। एजेंसियां दा मेन एजेंडा ये आ भी इन्हां दियां शहीदियां नूं, इन्हां दे इतिहास नूं मिटा दिता जाए। बहुत लंबे समय तो यह संघर्ष चल रहा गा, पंजाब दे विच जिहड़ा नौजवान आ उह कदे भी पंजाब दियां शहीदियां नूं, पंजाबियां दियां कुरबानियां नूं भुलण वाला नहीं। इह भुल जाण हुण, सेंटर दी सरकार दी इह पॉलिसी आ, पंजाब सरकार दी इह पॉलिसी आ भी इन्हां लोकां नूं सिर्फ इक रोटी तक मुहताज बनाया जाए, भी सवेरे इन्हां नूं सिर्फ इक उठ के यही फिक्र होवे भी शाम दी रोटी कमाउणी किवें आ, इह इनकलाब वल जा ना सकण। क्योंकि हालात ये बने हुए हैं कि रोटी किसी घर के पहुँचती होवे ना होवे, नशा जिहड़ा जरूर पहुँचता हैगा, तो यह भी कितने ना कितने एजेंसियां दे टारगेट ने। बिल्कुल वीरे, जो तुसीं पिछे जे ध्यान मारो राहुल गांधी पंजाब दे विच आउंदे ने, कहिंदे ने 70% पंजाब नशेड़ी है, जदों इतने वड्डे लैवल तक तुसीं दस रहे हो भी पंजाब नशेड़ी है, फिर किवें आपां कह सकदे हां भी गौरमेंट नूं पता नहीं हैगा भी पंजाब दे विच नशा है नहीं गा? बिल्कुल जी। और राहुल गांधी नूं भी हुण किसान अंदोलन जदों चलिया गा, राहुल गांधी दे मूँह ते बहुत वड्डी चपेड़ एक पंजाब दे नौजवानां ने मारी आ भी तुसीं भुल जाओ भी तुसीं एक बहुत वड्डे भुलेखे चों भी असीं नशेड़ी हाँ, अज्ज भी असीं बाबा हरी सिंह नलूए दे वारस हाँ, अज्ज भी असीं उहनां दे इतिहास नूं पढ़ रहे हाँ, उहनां दीआं दसियां सिक्ख्या दे उत्ते चल रहे हाँ, किसी भी कीमत दे उत्ते पंजाब दा जिहड़ा नौजवान आ उहनां दीआं कुरबानियां नूं भुलण वाला नहीं। गिल साहब, लास्ट सवाल, अगला प्रोटेस्ट की होगा, अगली रणनीति की होगी? तीन बार असी मेमोरेंडम जिहड़ा वा ये हलवारा एयरपोर्ट का नाम शहीद करतार सिंह सराभा जी के नाम पर रखण के उत्ते दे चुके हैं। दस्तक मुहिम पूरे इलाके दे विच्चों बहुत वड्डी लहर आ साडे इलाके दे विच भी, इस कल्ला कल्ला नौजवान कल्ला कल्ला वसनीक उस इलाके का चाहुंदा, इलाके का की पूरे भारत का चाहुंदा गा भी उस एयरपोर्ट का नाम शहीद करतार सिंह सराभा एयरपोर्ट होना चाहिए। दस्तखत मुहिम दे चुके हैं, हले तक कोई कार्रवाई नहीं, मेमोरेंडम दे चुके हैं, हले तक कोई कार्रवाई नहीं। आने वाले समय के संघर्ष होर भी तिखा होगा, जिथे तक सातों हो सकिया इस लिए लड़ांगे, जो सरकार करना चाहती है वो कर सकती है, असीं इन्हां दीआं घुरकियां तों डरन वाले नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद गिल साहब, और एक बार फिर तस्वीर दिखा दें थानू, ये किसी संस्था वालों या किसी पार्टी वालों मंग नहीं जी हैगी, मैं दोबारा दस दिना, ये आम लोग ने जिन्हों के वालों मंग की जा रही है कि हलवारा जिहड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम रख्या गया, उस एयरपोर्ट का नाम शहीद सरतार करतार सिंह सराभा जी के नाम के उपर रख्या जाए, मंग लैके जोड़े लोग आए ने, तीसरी बार जिहड़ा मेमोरेंडम देन आए ने, इन्हां नूं इह दस्सिया गया कि डीसी साहब जिहड़े इत्थे नहीं हैगे, तो इन्हां दा कहना यह है कि फिलहाल जिहड़ा प्रोटेस्ट शांतमई तरीके दे नाल कर रहे हैं, और अंदोलन दा रूप भी यह साडा प्रोटेस्ट जरूर लेगा अगर साडी जिहड़ी है मंग जिहड़ी जल्दी नहीं मन्नी जाएगी। सो नवे अपडेट की होणगे इस खबर नूं लैके, वह भी जिहड़े तुहाडे तक जरूर पहुँचांदे रहांगे। कैमरा परसन हनी दे नाल हरविंदर सिंह ढिल्लों, लुधियाना।